कानगंज में चैती नवरात्र को लेकर विभिन्न जगहों से निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। चैती नवरात्रि को लेकर पुरानी मोती चौक, चैती दुर्गा मंदिर, शाहबाद के चैती दुर्गा मंदिर, अब्जूगंज के पुरानी दुर्गा मंदिर में श्रीमद भागवत संगीतमय एवं ज्ञान महायज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा। भागलपुर सुल्तानगंज में चैती नवरात्र एवं श्रीमद भागवत संगीतमय एवं ज्ञान महायज्ञ को लेकर विभिन्न दुर्गा मंदिरों से कलश शोभा यात्रा निकाला गया। इस दौरान पुरानी मोतीचक मां दुर्गा मंदिर, शाहबाद दुर्गा मंदिर एवं अब्जूगंज पुरानी दुर्गा मंदिर से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा पहुंचकर गंगा स्नान करते हुए पूजा पाठ कर हजारों की संख्या में महिलाएं माथे पर कलश लेकर ढोल बाजा गाजा सैकड़ों की संख्या में घोड़े के साथ नाचते झूमते हुए पैदल अपनी अपनी चैती दुर्गा मंदिर पहुंचकर चैती नवरात्र पूजा का आरंभ किया गया। साथ ही अब्जूगंज की पुरानी दुर्गा मंदिर में नियम निष्ठा के साथ ही श्रीमद भागवत संगीत में एवं ज्ञान महायज्ञ का शुभारंभ वृंदावन के कथावाचिका अंजलि किशोरी के द्वारा किया गया। इसको लेकर थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन ने जगह जगह चौक चौराहे एवं पेट्रोलिंग गश्ती को बढ़ा दिया है, जिससे किसी भी भक्तों को कोई परेशानी न हो। साथ ही नगर परिषद द्वारा भी युद्ध स्तर से गंगा घाट सहित अन्य जगहों में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान कलश शोभा यात्रा में शामिल पूर्व विधायक प्रत्याशी रवि कुमार सुमन उर्फ अरुण मंडल, नगर परिषद के सभापति प्रत्याशी जवाहरलाल मंडल, महेश गुप्ता, विकास कुमार कर्ण, उप सभापति प्रत्याशी प्रतिनिधि सह वार्ड पार्षद मनोज यादव आदि श्रद्धालु मौजूद थे। दुर्गा जो कमेटी है हर सुबह हर वर्ष की भांति इस बार भी हम जो आप देख रहे हैं कि विशाल कलश यात्रा निकाला गया है, ताकि हमारे समाज का, इन पूरे नगरवासियों का भला हो, इनके शांति के लिए हम लोग कलश यात्रा निकालते हैं। और अयोध्या से हमारे मंडली के कुछ लोग आए हैं, औरत और मर्द दोनों भी भाई बंधु सब आए हुए हैं। 10 दिन रामायण कथा चलेगी। ये यात्रा कहाँ से कहाँ जाएगा? ये शाहबाद चौक से देवीनाथ धाम मंदिर तक जाएगा, पुनः कलश भर के जो है वापस मंदिर तक जाएगा। वही नवरात्र पूजा का आरम्भ होगा। जी हाँ, नाम बता दीजिए। कुमार शर्मा। कलश यात्रा अब्दुलगंज से निकला हुआ है। वो अब्दुलगंज से प्रस्थान कर रही है। 20 तारीख का भव्य प्रदर्शन होने वाला है। भक्तिमय का भागवत कथा होने जा रहा है। आप लोग हम लोग का सहयोग है। कितने लोग हैं आज? 10,000 की संख्या में हम लोग भाग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कलश यात्रा कहाँ से कहाँ गया? अब्जूगंज से सुल्तानगंज, अजगैबीनाथ से अब्जूगंज की और पुरानी दुर्गा स्थान की ओर जा रही है। पुरानी दुर्गा स्थान के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसका कलश भव्य शोभा यात्रा हम लोग अभी गंगाधार से यहाँ चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूरे लोग भागवत गीता का जो प्रेम है, भागवत भगवान का जो प्रेम है, वो आप पूरे रूप से देख सकते हैं। आगे बढ़कर सरकार ने मातृशक्ति का जो उम्र पड़ा है, कहीं ना कहीं लाजवाब है। पूरे नगर परिषद जनता को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हम लोग श्री श्री 108 वैष्णवी चैती दुर्गा पूजा समिति शाहबाद की ओर तरफ से एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किए थे। अभी हम लोग उसी में भक्तिमय हम लोग डूबे हुए हैं। अब हम लोग कलश यात्रा लेके शाहबाद चौक पे प्रस्थान की ओर जा रहे हैं। और सभी नगर परिषद जनता से अपील करते हैं कि हमारी शुभकामनाएँ आप लोग के साथ हैं।